special cell of the Delhi police have arrested a suspected terrorist from Roorkee, Uttarakhand on Tuesday night. The man named Akhlaq is said to be associated with an international terror group. Three other persons have also been detained in Delhi police's operation across Uttarakhand. The arrested men are currently being interrogated. The special cell was working on a tip-off that terrorists are planning to target the Kumbh Mela in Haridwar. Militants were also planning to hit some vital installations in the national capital and surrounding areas. The arrests have come a day after police nabbed an Al-Qaeda operative Abu Al-Sami from Mewat in Haryana. एक इनपुट मिला था हम लोगों को सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से कि कुछ लोग जो हैं इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि रुड़की से हरिद्वार बाउंड ट्रेन्स और कुंभ मेला जो चल रहा है उसमें एंड दिल्ली एनसीआर रीजन में कुछ लोकेशंस पे कुछ वारदात कर सकते हैं कुछ लोग. इसमें एक डेडिकेटेड टीम कॉन्स्टिट्यूट करी गई डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ एडिशनल सीपी आलोक कुमार एंड डीसीपी प्रमोद कुशवाहा. ऑन ग्राउंड जो ऑपरेशंस थे वो हैंडल कर रहे थे इंस्पेक्टर नेगी और इंस्पेक्टर हृदय भूषण. इस लीड्स को फर्दर डेवलप किया गया और एक पेनस्टेकिंग अंडर ओवरग्राउंड वर्क करके चार लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और कल इनको गिरफ्तार करके लाए हम लोग और पेश किया गया आज कोर्ट में. ये चारों जो हैं मैंगलोर पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार को बिलोंग करते हैं. और 15 दिन की हमें पुलिस रिमांड मिली है इनकी. फर्दर इंट्रोगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं. ये वन ऑफ द फ्यू ओकेजन है जबकि एक एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस को हमने रोक लिया. टाइमली इनपुट जो था वो मिला हम लोगों को. इसमें यूपी पुलिस का बहुत समर्थन मिला हम लोगों को. उत्तराखंड पुलिस के थे तो उनका बहुत एक्टिव कोऑपरेशन मिला और एक इनपुट जो था वो टाइमली मिलने से एक बहुत बड़ी वारदात को रोका जा सका है. पावर्ड बाय NNIS.